सो फ्रेंड्स वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स यूट्यूब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, पॉलिसी अपडेट आई है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है जानना ये जो पॉलिसी अपडेट आई है यूट्यूब की तरफ से। ये बेसिकली उनके लिए है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। जो भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं अपनी वीडियोज में, ये उससे रिलेटेड है। तो जानते हैं बेसिकली क्या पॉलिसी अपडेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं उस पॉलिसी अपडेट के बारे में। तो YouTube बेसिकली ये जो पॉलिसी लेकर आया है, ये बेसिकली इसलिए लेकर आया है क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो वीडियो बनी है ये रियल वीडियो है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प लेके की गई है। ये जो पर्सन है जो वीडियो में दिख रहा है वो रियल है या फेक है, तो व्यूअर्स के लिए प्रॉब्लम हो रही है। व्यूअर्स जज नहीं कर पा रहे हैं कि हम रियल वीडियो देख रहे हैं या हम फेक वीडियो देख रहे हैं। इसलिए YouTube जो है हेल्प कर रहा है व्यूअर्स की, आप लोग डिस्क्लोज करें कि ये जो आपने वीडियो बनाई है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से बनाई है या आपने विदाउट किसी हेल्प से बनाई है, तो ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसमें भी कई कैटेगरीज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है जिसमें आपने डिस्क्लोज करना है और कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत नहीं आता है जिसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसमें बेसिकली क्या है, जब आप अपलोड करेंगे तो स्क्रीन पे अपलोड करने के टाइम पे डिटेल्स में ही आ जाएगा। वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे एल्टर्ड का आएगा, वहां पे यहां पे लिखा होगा कि ये एल्टर्ड कंटेंट है। तो अगर एल्टर्ड कंटेंट है तो यस। तो एल्टर्ड कंटेंट कौन सा है वो भी मैं आपको इसमें इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा। देखिए इसमें बेसिकली जो है जिसमें डिस्क्लोज नहीं करना है वो हम जान लेते हैं। जैसे आप ब्यूटी फिल्टर्स लगाते हो अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, तो ब्यूटी फिल्टर्स जो भी लगाते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत नहीं आता है, तो उसमें आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे इफेक्ट्स आप यूज करते हो ताकि जो है ऑडियो जो है और ज्यादा इंप्रूव हो जाए, तो वो भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप कुछ AI जनरेटेड एनिमेशन मिसाइल की डालते हैं तब भी वीडियो में उसमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। जिसमें आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये एल्टर्ड कंटेंट है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंटेंट है, उसमें बेसिकली वो आएगा कंटेंट जिसमें आपने फेस ही बिल्कुल चेंज कर दिया है, दूसरा फेस किसी और का लगा दिया, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये अल्टर्ड कंटेंट है। दूसरा जो है इसमें सिनेरियो ये आता है कि डिजिटली अल्टरिंग ए फेमस कार चेस सीन टू इंक्लूड ए सेलिब्रिटी हु वॉज नॉट इन द ओरिजिनल मूवी। तो बेसिकली कोई फेमस कार सीन है उसमें और किसी सेलिब्रिटी का आपने फेस लगा दिया, तो वो बेसिकली जो है टोटली गलत हो जाएगा, ये जो है एल्टर कंटेंट में आएगा। और स्टिमुलेटिंग ऑडियो टू मेक इट साउंड एज इफ ए मेडिकल प्रोफेशनल गेव एडवाइस, उसमें आप ऑडियो चेंज कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि कोई मेडिकल प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा है, तो भी वो है एल्टर कंटेंट में आएगा। और इसमें आप एक रियलिस्टिक डिपिक्शन दिखाते हो कि मिसाइल जो है एक रियल सिटी पे गिर रही है, ऐसा कुछ दिखाओगे तो वो भी एल्टर्ड कंटेंट में आएगा। तो ये सारे जो बेसिकली हैं ये एल्टर्ड कंटेंट में आएंगे। आप जो है इफेक्ट्स डाल रहे हो, इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, अपनी लुक्स अच्छी बना रहे हो, अपनी ऑडियो को इन्हांस कर रहे हो, वो जो है एल्टर्ड कंटेंट में नहीं आएगा। जहाँ पे आपने बिल्कुल फेस चेंज कर दिया है, बिल्कुल ही आपने आवाज़ ही बिल्कुल चेंज कर दी है, किसी और का फेस डाल दिया है, किसी और मूवी सीन का किसी और का फेस डाल के मूवी सीन क्रिएट कर रहे हो, तो वो जो है सारा अल्टर्ड कंटेंट में आएगा। तो ये बेसिकली है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और जो अल्टर्ड कंटेंट होगा उसमें आपको जो है जब आप अपलोड करोगे तो उसमें आएगा, तो अल्टर्ड कंटेंट में है तो यस, नहीं है तो नो में कर दीजिएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे देखिए आपको शॉर्ट्स में भी आपको जो है जब आप डिस्क्लोज कर देंगे तो वहाँ पे देखिए लिखा हुआ आएगा कि ये अल्टर्ड कंटेंट है। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ये आपका आएगा। तो बेसिकली ये व्यूअर्स को हेल्प किया जा रही है, YouTube चाहता है कि व्यूअर्स को पता चले कि वो रियल कंटेंट देख रहे हैं या अल्टर्ड कंटेंट देख रहे हैं। जो आप डिस्क्लोज करेंगे ये अल्टर्ड कंटेंट है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा मॉनेटरी पे, जो आपका पैसा जैसे बन रहा है वैसे ही बनता रहेगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे तब ये इफेक्ट पड़ सकता है। इसमें देखिए सबसे पहले तो यूट्यूब जो है अपना ही लेबल लगा देगा कि भाई ये अल्टर्ड कंटेंट है और वो उसको आप हटा नहीं सकते हो, ये पहला है, पहली वार्निंग में ये होगा। दूसरी वार्निंग में ये होगा कि आपका जो है वो वीडियो भी डिलीट कर सकते हैं, और थर्ड फिर ये हो सकता है कि आपका जो है YouTube पार्टनर प्रोग्राम से आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। यस माय फ्रेंड्स, अगर आपने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से आपने कंटेंट बनाया, टोटली कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है और आप उसको डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो कंटेंट तो हटेगा ही हटेगा। साथ में आप अगर YouTube पार्टनर प्रोग्राम में हैं, मेंबर हैं,
तो वहां से भी आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो प्लीज इसका जरूर ध्यान रखिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कंटेंट बनाते हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कंटेंट को जरूर डिस्क्लोज करिए। किसमें डिस्क्लोज करना है किसमें डिस्क्लोज नहीं करना है वो मैंने आपको बता दिया है, तो आप जरूर चेकआउट करिएगा। लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, आप उसको पढ़ भी लीजिएगा, पूरी डिटेल में बताया गया है। मोर अपडेट्स यूट्यूब रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फो मैट्रिक्स को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।